लाहौल स्पीति से उपचुनाव की कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा केलोंग पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं अपने संबोधन में अनुराधा ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने जो भरोसा उन पर जताया है वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगी। करीब 5 प्रबल दावेदारों में अनुराधा राणा टिकट अपने नाम झटकने पर कामयाब हुई हैं और उनका मुकाबला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रवि ठाकुर के साथ है। अनुराधा राणा कल यानी 8 मई को अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं देवतुल्य हमारी जो जनता है लाहौल स्पीति की, सभी का आभार करती हूँ कि जिनके आशीर्वाद और प्यार के बदौलत आज मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। और ये अपने आप में एक इतिहास है कि एक महिला को 52 साल बाद एक प्रत्याशी के तौर पे कांग्रेस पार्टी ने फिर से मौका दिया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ अपने पार्टी के हाईकमान का, चाहे वो हमारे सेंटर में हाईकमान हो, चाहे प्रदेश में हो। हमारे यशस्वी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, हमारे प्रभारी जी हैं, हमारे DCC के अध्यक्ष हैं, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तमाम महिलाएं जिनका मुझे एक तरफा समर्थन पूरे जिला से मिल रहा है, मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी हम लोग पूरे जोश से मैदान में लड़ेंगे, पूरे मैदान में डटेंगे और चुनाव जीत के दिखाएंगे। और जो हाईकमान का जो डिसीजन है उसको बिल्कुल सच साबित करके दिखाएंगे कि जो दाव उन्होंने एक महिला पे खेला है उसको हम सच साबित करके दिखाएंगे कि ये बिल्कुल एक जनता का जो हमें समर्थन मिल रहा है आशीर्वाद के तौर पे, वो वोट में भी तब्दील होगा और हम जीतेंगे भी, भारी मतों से यहाँ जीतेंगे। और धन बल हारेगा जन बल जीतेगा जो हमारे CM साहब जो नारा देते हैं उसको हम सच साबित करके दिखाएंगे। और व्यवस्था परिवर्तन का जो उन्होंने एक मिसाल पेश किया एक महिला को प्रत्याशी घोषित करके, वो एक व्यवस्था परिवर्तन का सबसे बड़ा मैसेज उन्होंने लाहौल स्पीति जनजातीय जिला से दिया है।